तीन में मीटिंग पॉसिबल है कि जेल में जाके मीटिंग की नहीं पापा पॉसिबल मीटिंग, लेकिन जो है उन्होंने जो भी जिन लोगों को भी उन्होंने अप्रोच किया होगा, जेल की इंतजामिया को अप्रोच किया या होम डिपार्टमेंट को अप्रोच किया है, उन्होंने यही कहा होगा कि हम जब तक मंसूखी के लिए जो है ना उनसे मिलना चाहते हैं कि जलसा मंसूख कर। तो मेरा ख्याल है इस किस्म की जो ऑफर हुई है तो इंतजामिया को इनकार करने की क्या जरूरत थी, उन्होंने सहूलत जारी कर दी इंतजामिया, लेकिन एस्टेब्लिशमेंट का उसको उसमें कोई फर्क नहीं। लेकिन देखना मैं यहाँ पे जलसा कर रहा हूँ और मैं मेरा खुदा नखास्ता जलसा नाकाम हो रहा और मुझे इस किस्म का रास्ता मिल रहा है और जो इंतजामिया है या डेप्टी कमिश्नर साहब हैं या डीपीओ साहब जो हैं वो जो है फैसिलिटेट कर दें किसी मेरे विदड्रॉ करने को या मेरी जो है रिट्रीट को विद कर दें तो किसी को क्या इतराज़ होता है। अच्छा भाई साहब, ये भी मौक़ बनाया गया है मीडिया की जानिब से कि हमने जलसा इसलिए मंसूख किया कि ये बादशाह था कि दोबारा 9 मई ये करना चाहते हैं, इसमें उनका क्या मकसद है, क्या ये 9 मई समझते हैं कि करवाई गई थी? वो कह रहे हैं कि जो है दोबारा 9 मई का मनसूबा तैयार हो। देखें वो ये बार बार कह रहे हैं कि 9 मई जो है वो हमने नहीं की थी, किसी और ने की थी, ये पानी पी टी आई भी कहते हैं, उनके लोग भी कहते हैं, लेकिन मुझे बताएं कि सारे चेहरे कहाँ से, वो किराए के चेहरे थे या उन लोगों ने मास्क पहने हुए थे? अब GHQ के बाहर देख लें तो अफरीदी साहब जो है जिन जिन लोगों के नाम ले रहे हैं और GHQ के बाहर खड़े कब हो गए ये सारा कुछ कह रहे हैं कि आ जाओ, या कोर कमांडर के घर के सामने वो खातून जो है वो कह रही है कि जी फलां को भी बुला लो, सब कोर कमांडर घर पहुँचे, वो कौन लोग थे वहाँ से गिरफ्तार हुए हैं? उनके भी वीडियो में चेहरे हैं, वो या तो जाली चेहरे थे या उन्होंने मास्क पहने हुए थे, बताए ना वो कौन लोग थे, या पिशावर में कौन लोग थे या मियांवाली में कौन, उस सारे शिनाख्त किए हुए चेहरे हैं। मेरा ख्याल है इससे बड़ा झूठ जो है, इससे बड़ी दरोगोई जो है पाकिस्तान की सियासत में या दुनिया की किसी भी सियासत में की तो नजर आ रहा है, वीडियो बनी हुई है, ये अब चंद दिनों हफ्तों की बात है, ये सारे के सारे मामला जो है ना तो सारे इनका क्या पंजाबी में कहना है सारे नकारा हो जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा सर, आपका बड़ा रेलेवेंट क्वेश्चन है सर, लेकिन ये अगर वो इनकार करते हैं तो वो कौन लोग थे जो मैं उनका नाम ही लेना चाहता, मैंने सब का नाम लिया लेकिन और ख्वातीन का भी नाम ले सकता, मुहतरमा जो हेल्थ मिनिस्टर थी यास्मीन आशना, वो तो गाड़ी के ऊपर बैठी हुई थी, इसी तरह ही है ना, मैं गलत कह रहा हूँ तो मुझे जरूर मेरी तस्दीक करें। एक वो जो जिनकी जमानत हुई है अब जो है रिसेंटली, वो बार बार वही कह रही थी, ललकारे मार रही थी तो वो जो है उनका क्या रोल था, वो कहीं के किसी मस्जिद के बाहर खड़ी थी या किसी और किसी ललकारे मार रही थी, किसी कोई हो रहा था कहीं पे कोई चैरिटी शो हो रहा था उसके लिए, वो बगावत थी उसके लिए सारे ललकारे जो है पिंडी में भी मियांवाली में भी फैसलाबाद में भी पिशावर में भी, पिशावर का जो किसने तबाह किया जो है वो अपना रेडियो स्टेशन जो है किसकी हुकूमत थी वहाँ पे, ये सारी बातें जो हैं ये मेरा ख्याल है इससे बड़ी द्रोह हुई, इससे बड़ा झूठ जो है कोई नहीं हो सकता कि हजारों ने को आंखों ने वो सारा कुछ देखा गाँव में ही जो है, और ये कहते हैं हम तो थे नहीं वहाँ पे और ये मुद्दा डाला जा रहा है हमारे। भाई साहब, ये जलसे के मनसूखी का ऐलान करते हैं जिस वक्त आजम स्वाती साहब कर रहे थे, इसके साथ साथ आजम स्वाती साहब गंडापुर साहब और दीगर जो क्यादत मौके पर मौजूद थी उन्होंने कहा था कि 8 सितंबर को इस्लामाबाद में जलसा करेंगे, इसमें कोई 8 सितंबर भी आ जाएगी वो भी आपके सामने आ जाएगी, सब कुछ हो जाएगी। अब देखे गंडापुर की अपनी कबीना के लोग उनके मुतालिक क्या कह रहे और वो अपनी कबीना के मुतालिक क्या कह रहे हैं, आपके सामने तो ज्यादा आता है, वो कहते हैं वो चोर है, वो कहते हैं वो चोर है, कह रहे हैं ना, मैं गलत कह रहा हूँ प्लीज मुझे टोक दें, वो कहते हैं वो चोर है, वो क्या नाम है उन लोग साहब का जो जिसको फारिग किया, दोबारा जी उन्होंने ज्वाइन किया भैया रौले गए, इन्होंने याद रहते
कोई करवाना हो फिर तो ना भी जाते रहते हैं, सारे एक दूजे को गाला कटन देते हैं, सारे एक दूसरे पे इल्जाम लगा रहे हैं, सारे एक दूसरे को चोर कर रहे हैं। वो चोर ही इन्ने है कि उन्होंने समझ नहीं आती भी किन कही है तो किन ना कही, पूरी जंज हैगी चोर की सारी सने पानी पीटीआई लैके दले तक और बाद जो तीन तीन नस्लों के चोर है उनको उनको विरासत में मिली हुई है ये खासियत चोरी की। वहां पे कोई फर्क नहीं पड़ता चाहे डेमोक्रेट आ जाए या रिपब्लिकन आ जाए, ये इलेक्शन वहां पे ये नूरा कुश्ती होती है। वहां पे एस्टेब्लिशमेंट जो है ना वो सदियों पुरानी एस्टेब्लिशमेंट, वो ये सारी दुनिया को दिखाने के लिए आपस में इलेक्शन वगैरह होते हैं, पॉलिसी उनकी बिल्कुल चेंज नहीं होती। तो पाकिस्तान में कोई मेहरबान नहीं हो जाएगा, पाकिस्तान के साथ कोई नाराज नहीं हो जाएगा, वो अपने मफादात की सियासत करते हैं जिस तरह तमाम मुल्कों को करनी चाहिए। वो अपने मफादात की सियासत करते हैं, उसमें कोई एक्साइट होने की लोड़ नहीं है नवंबर की हो जाना है जो हो रहा है पिछले 75 साल से वही बाकी भी हो जाए। सब ये अपनी अपनी किस्मत खुद बदलें, आपकी किस्मत जो है अमरीका नहीं बदलेगा, आपकी किस्मत जो है वो नहीं बदलेगा, आप अपने मुल्क से जो है बेईमानी जो है करप्शन जो है जड़ से उखाड़े हजारों अरबों की जो है आप यहाँ सियालकोट में देख लें तो कागजी कि प्रॉपर्टियां उसे कब्जा है करोगे, साथ वाली दुकान जो है वो 50,000 रुपये 70 रुपये किराया दे रही है, वो औकाफ की दुकान जो है 10,000 रुपये किराया दे रही है। आपने कभी लिखा है इसके ऊपर, कभी रिपोर्ट की है आपको? मैं आपको बता दूं प्रॉपर्टियां जो है यहाँ पे औकाफ की जिनके ऊपर सियासतदानों ने भी कब्जे किए हुए हैं, सर्कल रोड पे 2-4 प्रॉपर्टियां ही हैं, सब कुछ है, सिर्फ ईमानदारी की कमी है, दयानतदारी की कमी। जी साहब ये बताइएगा कि जो वाकया है ये तो रोजे रोशन की तरह यहाँ इसकी फुटेज होने के बावजूद 1.5 साल में कोई एक बंदा जो है ना उसको सजा नहीं हुई, सजा नहीं हुई। अब जनरल फैज अमीर जो है उनकी गिरफ्तारी के बाद क्या ये मामला जो है वो मिलिट्री कोर्ट में जाके सॉर्ट आउट होगा? बिल्कुल उसको इसको रूल आउट नहीं किया जा सकता, इसकी जो पॉसिबिलिटी है बिल्कुल 100% है, कोई इसको जो है इसको क्या कहते हैं जो आप पॉसिबिलिटी आप कह रहे हैं जो इम्कान जो आप बता रहे हैं उनको रद्द नहीं किया जा सकता, ये इम्कान मौजूद हैं। और अगर ये जाके मिलिट्री कोर्ट में सॉर्ट आउट होता है तो ये जो हमारी आला अदली है इस पे एक बड़ा जो है ना वो उनकी नाकामी नहीं होगी? देखें जिस मुल्क में भी इंसाफ जो है उसमें ताखीर हो रही हो, मैं नहीं कह रहा था कि इंसाफ मैं उस हद तक नहीं जाऊँगा, जाना वैसे चाहिए, इंसाफ की ताखीर हो रही हो जहाँ पे 26 लाख केसेस जो है पेंडिंग हों, मैं समझता हूँ और दुनिया में उसको रेट जो है 136वें या 37वें नंबर पे किया जाए, इससे बड़ी उस मुल्क में इंसाफ के इदारों की जो है नाकामी और क्या हो सकती है। अदारे बाकी जो हैं हम पार्लियामेंट वाले जो हैं हमें तो इलेक्शन के ऊपर हमारा टेस्ट हो जाता है ना कि असी किन्ने पानी से गए, लेकिन वो लोग प्रोटेक्टेड हैं, माई लॉर्ड है, इज्जत मां बाप है, सानू लोगों ने गाल भी कड़नी होंगी जी।